हेलो दोस्तों, दिस इज़ मोहित अनेजा। द स्टडी बीन्स की अगली वीडियो लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। सबसे पहले आपको बाकी की वीडियोस की जानकारी दे दूँ। हमारी बाकी की वीडियोस हमारे आप यूट्यूब चैनल पे सर्च कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं द स्टडी बीन्स यूट्यूब चैनल। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी और हमें आप फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे भी द स्टडी बीन्स के नाम से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम अब उस पर चलते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है बिहेवियर। जो बच्चों का बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, अक्सर हम देखते हैं बहुत सारी कंप्लेंट्स, बहुत सारी सजेशंस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस की जाती हैं रिलेटेड टू बिहेवियर। हमारे बच्चे ऐसे नहीं थे, अब ऐसे हो गए हैं। हमारे बच्चे वैसे नहीं थे, अब ऐसे हो गए हैं। सो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा क्रिप करते हुए दिखाई देते हैं। सो इन दैट केस उनके लिए एक सजेशन ये है कि ज़्यादा इफ़ेक्ट जो बच्चों के बिहेवियर पे पड़ता है, वो पड़ता है सीधा और सीधा उनके सराउंडिंग, उनके एनवायरनमेंट का। आपको बता दें, जो चीज़ें वो घर से देखते हैं वो स्कूल में करते हैं, जो चीज़ें वो स्कूल में सीखते या देखते हैं वही चीज़ें वो घर पे करते हैं। और हम एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं और ये अक्सर कहते हैं कि स्कूल वालों को पेरेंट्स बोलते हैं कि हमने जी घर पे तो ऐसा कुछ नहीं सिखाया था, स्कूल में लेकिन ऐसा कुछ सीख के आया है। या स्कूल के टीचर्स कहते हैं कि जी हमने स्कूल में ऐसा कुछ नहीं सिखाया, लेकिन ये आपके घर के माहौल से कहीं से वो बच्चा सीखा है। आपको बैठना है एक साथ, आपको उसके टीचर के साथ बैठना है, बच्चे के बारे में डिस्कस करना है और ये जानना है कि आखिर वो चीज़ें सीखी कहाँ से जा रही हैं। क्योंकि जो सराउंडिंग है, जो इन्वायरमेंट है, वो कहीं ना कहीं मेजर रोल प्ले कर रहा है। वहाँ से वो बच्चा सीख रहा है और उसके बाद अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहा है। बहुत एक साधारण सी बात है, ये चीज़ हमें समझनी है कि एज अ पेरेंट हम बहुत एक अहम किरदार निभा रहे हैं कि माता पिता बनना एक आसान काम नहीं है। क्योंकि आप जाने अनजाने में बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी बातें कह देते हैं, कर देते हैं, जो बच्चे एज ए ऑब्जर्वर, एज ए लर्नर वहाँ से सीख लेते हैं और वो उसको ही सटीक मानते हैं। उनकी नज़रों में वो चीज़ एक पत्थर पे लकीर है कि मेरे फादर ने ये कहा है, मेरे मदर ने कहा है मेरे फादर को, दैट मीन्स ये बिल्कुल सही होगा, इसीलिए कहा गया है। सो कहीं ना कहीं एज अ पेरेंट ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंटेंशनली चाहे अनइंटेंशनली, लेकिन आपसे ही वो बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं और आपको पता भी नहीं। एंड सेम वे स्कूल में भी, अगर दो टीचर्स आपस में भी बात कर रहे हैं या टीचर किसी बच्चे से, किसी और बच्चे से बात कर रहा है, तो उनके बात करने के तरीके में इतनी पॉजिटिविटी, इतना न्यूट्रल बिहेवियर होना चाहिए, न्यूट्रल एटीट्यूड होना चाहिए कि जो दूसरा बच्चा सिर्फ देख रहा है, उससे जो वो लर्निंग ले रहा है वो भी पॉजिटिव। तो एज अ टीचर वो भी एक बहुत अहम काम है, एज अ पेरेंट उससे भी ज़्यादा, क्योंकि बच्चा दिन रात आपके पास है, हर चीज़ को वो देख रहा है। आपका अपने पेरेंट्स के तरफ जो रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट है वो उसको भी ऑब्जर्व कर रहा है, आपका अपनी पार्टनर के प्रति जो लव एंड अफेक्शन है उसको भी वो ऑब्जर्व कर रहा है, आपका सोसाइटी में क्या ओहदा है, आप क्या काम करते हैं, आप कैसे अपने नेबर्स को ट्रीट करते हैं, आप अपने कैसे फैमिली मेम्बर्स को ट्रीट करते हैं, बच्चा उससे भी सीखता है। अक्सर अगर बच्चा बुरा व्यवहार करता है तो हम कहते हैं कि संस्कार अच्छे नहीं। संस्कार क्या है वो देखिए, अगर सोचिए तो संस्कार वही हैं जो उसको परिवार से चीज़ें सीखने को मिली। अक्सर कहते हैं कि ग्रैंड पेरेंट्स का होना घर में ज़रूरी है अगर बच्चों को संस्कार देने, क्यों? इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो बड़ों का तौर तरीका था वो हमारा नहीं है, हमारा तौर तरीका अगली जनरेशन में नहीं है और अगली आने वाली जनरेशन में चेंजेस आ रहे हैं। यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के बिहेवियर में चेंजेस आएँ तो सबसे पहले हमें खुद में चेंजेस लानी होगी, राइट? मुझे लगता है कि यह शायद ये टिप एज अ पेरेंट, एज अ टीचर और एज अ चाइल्ड आप सबको, सबके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत हेल्पफुल होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, इसको और आगे शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे और मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट मिले। थैंक यू अगेन। इट्स अ रिमाइंडर, आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।